नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इस तरह के प्राणायाम शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों को गर्मियों के मौसम में मतलब समर सीजन में करने चाहिए। ये प्राणायाम करने से गर्मी की वजह से जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ये उसको नहीं होने देता है। जैसे कि ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, बॉडी का जो हीट है ये उसको रिड्यूस करता है, एक्सेस हीट की वजह से एक्सेस स्वेटिंग जो होती है उसको भी ये रिड्यूस करता है, और इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर या फिर एंग्जाइटी स्ट्रेस जो रहता है गर्मी की वजह से, इरिटेशन जो रहती है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो हम लोग ये दोनों प्राणायाम करेंगे। इसके पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले प्राणायाम के साथ, जो कि है चंद्र भेदी प्राणायाम, जिसको हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोला जाता है। इस प्राणायाम को करने के लिए, हर प्राणायाम को करने के लिए कुछ प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप इन प्राणायाम की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम जो है वो किस तरह से किया जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए पहले आप लोग अपने मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएंगे, मतलब एक किसी ऐसे पोस्चर में बैठ जाएंगे जहाँ पर आपकी बैक जो है स्ट्रेट है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, बॉडी एकदम काम है, ब्रेथ एकदम काम है। एंड देन इसके बाद आप लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए हाथ में एक मुद्रा लगानी है, हस्त मुद्रा। उस मुद्रा को हम लोग कहते हैं विष्णु मुद्रा। वो मुद्रा लगाने के लिए आप अपने राइट हैंड के फर्स्ट टू फिंगर्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हाथ का पोजिशन अपनी तरफ को टर्न करेंगे, जिस तरह से थंब जो है आपका राइट नॉस्ट्रल के पास आएगा और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल के पास आएगी। तो इस प्राणायाम को करने के लिए हम लोग ये मुद्रा लगाएंगे। अब ब्रीदिंग का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे, पहले हम लोग लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से हम लोग सांस भरेंगे। लेफ्ट जो होती है हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो प्रेजेंट करता है हमारी ईड़ा नाड़ी को। ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारे मून एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है, एंड दस मून जो है वो कूलनेस को रिप्रेजेंट करता है, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इम्प्रूव्स द कामनेस इन आर बॉडी। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट से इनहेल करते हैं। लेफ्ट से जब हम लोग इनहेल करेंगे तो राइट को हम लोग क्लोज करके रखेंगे अच्छे से थंब के साथ, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इसके बाद हम लोग लेफ्ट को क्लोज कर देंगे रिंग फिंगर के साथ और राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल से कम्प्लीटली एक्सहेल करेंगे। इसके बाद हम लोग वापस राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से सांस भरनी है और राइट से छोड़नी है, और अल्टरनेट नॉस्ट्रिल को हम लोगों को क्लोज करके रहना है ये मुद्रा के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये प्राणायाम पहले किसको नहीं करना चाहिए। अगर आपका बीपी जो है वो लो है तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों को प्राणायाम नहीं करना है। अगर आप लोगों का रिसेंटली कोई सर्जरी हुआ है नॉस्ट्रल्स के अराउंड या इस तरह से जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर कोई सर्जरी हुआ है तो भी ये प्राणायाम आपको नहीं करना है। और अगर आप लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी ब्रीदिंग इशू है तो भी ये प्राणायाम नहीं करना है। एंड अगर आप लोगों को कोल्ड है या कफ है तो भी ये प्राणायाम अवॉइड कीजिए। ओके, तो बाकी सब लोग जो है वो ये प्राणायाम कर सकते हैं। नौ प्राणायाम, अगर आप लोग एक बिगिनर हैं जो कि आप अभी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस में नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप लोग तब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर बहुत डीपली ध्यान दीजिए कि आपका इनहेल जो आप लोग कर रहे हैं बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हैं। इनहेल करते टाइम आपका पेट बाहर जा रहा है और सांस छोड़ते टाइम भी आप स्लोली स्लोली सांस छोड़ेंगे, सांस अंदर जाएगा। और इनहेल और एक्सहेल का रेशियो आइडियली जो होता है वो 1:2 होता है, मतलब अगर आप 4 काउंट के लिए इनहेल कर रहे हैं तो 8 काउंट के लिए एक्सहेल। बट ये जो है वो बहुत ही एडवांस्ड एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चाहें तो 1:1 रेशियो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, एंड धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअली जो है आप इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 4 इनहेल किया तो 5 एक्सहेल किया, वेरी स्लोली, ज़्यादा इसमें हरी नहीं करना है। तो पहले बिगिनर है तो 1:1 रेशियो, अगर आप एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर है तो 1:2 रेशियो विल बी फाइन। अगर आप लोग एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप इस प्राणायाम को लंबे टाइम तक कर लेते हैं उसके बाद आप इसमें कुंभक भी अप्लाई कर सकते हैं। कुंभक मतलब ब्रेथ रिटेंशन। अगर आप लोग ब्रेथ रिटेंशन करते हैं तो इसके बेनिफिट जो है वो और ज़्यादा और जल्दी आपको बॉडी में फील होते हैं। तो ब्रेथ रिटेंशन कैसे करनी होती है, अगर आप 4 काउंट के लिए इनहेल किया आपने तो उसके बाद आप 2 सेकंड्स के लिए सांस को अंदर होल्ड कीजिए एक्सहेल करने से पहले, उसके बाद आप सांस को एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल करने के बाद भी आप 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे,
एंड देन अगेन आप रिपीट करेंगे प्रोसेस होल्डिंग के साथ। आई होप आप लोगों को चंद्रभेदि प्राणायाम करने का प्रोसेस जो है वो समझ में आया। तो चलिए हम लोग साथ में 5 ब्रेथ्स के लिए, 5 काउंट के लिए हम लोग चंद्रभेदि प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम लोग लगाएंगे मुद्रा, बैक को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, रिलैक्स्ड नेक शोल्डर्स रिलैक्स्ड, क्लोज योर आइज। एक हाथ को आप लोग चाहे किसी मुद्रा में रख सकते हैं या फिर रिलैक्स रख सकते हैं थाइस के ऊपर। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ जो है वो आपकी नीज के बाहर ना जा रहे हों, ऑन योर थाइस। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट के साथ, लेफ्ट क्लोज राइट एक्सहेल, राइट क्लोज लेफ्ट इनहेल, एक्सहेल। Left inhale, right exhale. Two more counts. Left inhale, right exhale. Count, slow deep inhale, slow deep exhale, प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली अपनी आईज नहीं खोलेंगे। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द काउंट्स आप इस लोगों को आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है वो अराउंड 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। 10 मिनट्स में स्लोली जो भी आपका ब्रीदिंग रेट है उस हिसाब से इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देन वंस यू फिनिश योर प्रैक्टिस, पहले आप लोग रिलैक्स करेंगे कीपिंग योर आइज क्लोज्ड, लेट योर ब्रेथ कम बैक टू नॉर्मल रिलैक्स्ड। इसके बाद दोनों हाथों को रब करेंगे, आइज के ऊपर प्लेस करेंगे, जेंटली फेस को टैप करेंगे, आइज के अराउंड टैप करेंगे, आइज को ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे ओपन करें। इस तरह से आप लोग कोई भी प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है उसके बाद आप इस तरह से उसको ख़त्म करते हैं। इमीजिएटली कोई भी प्राणायाम करने के बाद इमीजिएटली अपनी आइज को ओपन नहीं करना रहता है। आई होप आप लोगों के लिए चंद्रभेदि प्राणायाम जो है वो क्लियर हुआ। सेकेंड प्राणायाम जो हम लोग गर्मियों के मौसम में कर सकते हैं वो है शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या फिर शीतकारी प्राणायाम। ये दो प्राणायाम जो हैं वो बहुत ही अच्छे कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी को। तो इसलिए इन प्राणायाम को करने के लिए एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर आपको फीवर है, कोल्ड है, कफ है तो आप लोग इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स भी आप लोग इसको प्राणायाम को अवॉइड करेंगे तो बेटर है। इन समर दिस प्राणायाम इज़ वेरी गुड। ये प्राणायाम का एक मेजर बेनिफिट ये भी है कि इस प्राणायाम को करने से आप लोगों की जो थर्स्ट और हंगर है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा एक्सेसिव हंगर या थर्स्ट रहता है तो उसको भी ये रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। चलिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए आप लोगों को अपनी टीथ के टीथ को क्लोज करना है और टीथ के पीछे अपनी टंग को टच करके रखना है। तो आपका जो टंग है वो आपके टीथ को टच कर रहा है बैक साइड से, और आप लोगों को जैसे आप लोग स्माइल कर रहे हैं वाइड, इस तरह से अपना फेस रखना है ये, एंड टंग टचिंग द टीथ फ्रॉम बिहाइंड। ये पोजीशन लाने के बाद आप लोगों को इनहेल करना है थ्रू योर माउथ। तो आपका माउथ खुला रहेगा, आपके टीथ के बीच में से आपके यहाँ साइड्स में से जो है आपकी इनहेल करते हुए सांस अंदर जाएगी। इसके बाद इनहेल करेंगे अच्छे से, जैसे हम लोग पेट आगे बाहर निकालते हुए अच्छे से डीप इनहेल किया, एंड देन क्लोज योर माउथ। उसके बाद नाक के साथ आप लोग इसको एक्सहेल कर देंगे। ये होता है शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आप अपनी टंग को जो है वो रोल करके बाहर निकालते हैं। आई कैन नॉट डू शीतली प्राणायाम क्योंकि मेरा टंग जो है वो ऑटोमेटिकली रोल नहीं होता है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो शीतली प्राणायाम भी कूलिंग प्राणायाम है। तो उसके लिए अपनी टंग को रोल करके मुंह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद अपनी टंग के बीच में जो रोल से स्पेस क्रिएट होगा उससे आप लोग इनहेल करेंगे। उसके बाद टंग को रिलैक्स, मुंह बंद, सिमिलरली नाक से एक्सहेल। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बेनिफिट सेम हैं। जो लोग टंग को रोल कर सकते हैं वो लोग शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो लोग टंग को रोल नहीं कर सकते वो लोग शीतकारी प्राणायाम के साथ भी
अच्छे बेनिफिट्स जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे शीतकारी प्राणायाम। अगेन, प्राणायाम करने से पहले बैक को स्ट्रेट रखेंगे, रिलैक्स बॉडी, नेक स्ट्रेट, आईज को क्लोज कर लेंगे, रिलैक्सिंग योर ब्रेथ। अब पोस्चर लेके आएंगे, लेट्स रिपीट इट। One more time. Again, relaxing your breath. Feel the coolness in your mouth. Tapping your palms together. Icekeeper place करेंगे gently. Icekeeper blink करते हुए open करेंगे। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। ये दो प्राणायाम जो हैं वो आप लोगों को गर्मी के टाइम पे करने चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोग खुद पर्सनली फील करिए और हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।